अगर मित्रता का सही अर्थ लगाओ तो मित्रता, मित्र सीधे अर्थ लगाओ मित्र, म सबसे म आता है, फिर ई, फिर त्र और र। म का अर्थ होता है माम, चंद्रमा, कि जिसमें शीतलता हो, सहनशीलता हो, प्रेम हो, स्नेह हो, चांदनी हो, नित्वता हो, उच्चता हो, जिसमें न काम हो, न क्रोध हो, न अहंकार हो, न ईर्ष्या हो, न शिकायत हो, न लोभ हो, एक दूसरे के प्रति कुछ भी नहीं। देख लो, सूरज में ताप होता है लेकिन चंद्रमा में नहीं होता है, नहीं होता है। चंद्रमा को हम चंदा मामा कहते हैं, दो मां शब्दों से उच्चारण करते हैं कि एक मां नहीं, वो दो मां है, जन्म देने वाली भी मां है और सासू मां भी है, वो दोनों है, वो परमात्मा भी है, महात्मा भी है, वो धरती मां भी है, अपरम मां भी है। तो चंद्रमा जो हमें शीतलता दे, जो प्रेम दे, जो स्नेह दे, जो शांति दे जीवन को, जो सुख दे, जो जीवन की उन हर चीजों को दे जिसकी जरूरत हो। तो वो नहीं कि जो तुम चाहते हो, वो जो तुम्हें चाहिए वो देता हो, जो तुमको चाहिए। और फिर आता है ई, इतत्त इद्वम ईश्वरे हम, जो हमारे जीवन को पवित्र बनाकर, शीतल बनाकर, शीतत्व करके, शांत और सुख को करके ईश्वर से मिला देता हो, जो परमात्मीय कर देता हो, परमात्मय कर देता हो, जैसे सुदामा का कृष्ण कर दिया, जैसे मीरा का कृष्ण कर दिया, जैसे राधा ने कृष्ण को कर दिया। मेरे बंधुओं, और फिर आता है ता त्रिण त्रिण तव्यप्तु अत्वस्तु त्रिण, जो हमारे त्रिण त्रिण में, हर अंग में, हर सेल्स में, हर जीन में, हर कोशिका में, हर नस नस में जिसके लिए प्रेम भरा हो, जिसके लिए स्नेह भरा हो। अब कहीं कोई जगह नहीं हो ईर्ष्या की, कहीं कोई जगह नहीं हो। कहते हैं ना, बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले, ईश्वर के कृपा के बिना तृण भी नहीं डोलती है। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर एक उक्ति कही कि मित्र समहु तर तरपन वानी, रास ही रूप ही परम बखानी, बोलो राम सिया राम, जय जय राम, बोलो राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो तृण तृण में बसता हो, जहां जगह ही नहीं हो। और फिर आता है र, मित्र, र का अर्थ रवि, जैसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द ही मित्र है, सूर्य को ही मित्र कहते हैं। जब तुम सूर्य नमस्कार करते हो तो उसमें कहते हो नित्याय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, उसके बाद कहते हो ना मित्राय नमः। अतः सूर्य का पर्यायवाची शब्द है मित्र, हम सूर्य को भी मित्र कहते हैं। तो सूर्य हमें क्या देता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। बोलो तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमशो मा ज्योतिर्गमय, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता हो, जो हमारे सारे अंधकारों को मिटाता हो, जो असत्य से सत्य की तरफ ले जाता हो, अधर्म से धर्म की तरफ ले जाता हो, जो मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाता हो, जो क्रोध से प्रेम की तरफ ले जाता हो। तो मेरे बंधुओं, सूर्य उसे कहते हैं जो तुमको उस सारी बुराइयों को तेरा मिटाता हो। उसके बाद सूर्य में अग्नि भी है जो प्राण देता है। उसके बाद सूर्य इस माया जाल से भी निकालते हैं, कहते हैं कि दुनिया में बहुत माया जालों में फंसकर तुम सत्य समझ रहे हो लेकिन वो झूठा है। तुम अपनी आंखों से रोज देखते हो कि सूरज पूरब से उग के पश्चिम में जाके डूबता है, घूम रहा है सूरज, लेकिन विज्ञान कह रही है कि धरती घूमती है, सूरज नहीं। तो चल धरती रही है और दिखता है सूरज। तो सूरज कहता है यही तो माया है जीवन का, निकलो इस माया जाल से, इस झंझट में फंस करके झूठ चीजों को सच्ची दिखकर अटके हुए हो। कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, कुछ भी तो तेरा नहीं। तो सूरज बताता है कि ये मोह माया, ये सब मोह माया है। फिर जो तुम्हें तेरे जीवन की अच्छाइयों को देता है, हमेशा सूरज डूबता है, सनसेट्स होता है, फिर 12 घंटे के बाद सनराइज हो जाता है,
फिर उग जाता है कम बैक वेल जो तुम्हें अपना जीवन सिखाता हो। तब मेरे बंधुओं जो तुम्हें तेरे जीवन को शांत प्रेम करके पवित्र करते हुए जीवन की हर सुख दुख का बोध कराकर तुम्हें इस संसार के माया से उठाकर तृण तृण में तेरे हर क्षण हर समय तेरे लिए अच्छा सोचते हुए अच्छा करते हुए जो तेरे जीवन को इस संसार से मुक्त करके परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता है उसी को मित्र कहते हैं। वही तेरा मित्र होगा।